चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। पद्मावत के कारण पिछले कुछ दिनों से देश में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उसकी वजह से सभी दर्शक यह जानने के लिए आतुर हैं कि आखिरकार निर्देशक संजय लीला भंसाली ने फिल्म में ऐसा क्या बना दिया है कि देश के सभी राजपूत समाज बेचैन उठ हैं। आखिरकार जिस कहानी को संजय ने पर्दे पर उतारा है वो कई सालों से लोक कथाओं के माध्यम से देश में जिंदा है। राजपूत समाज के करनी सेना प्रमुख ने फिल्म को रिलीज करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है और वो ताबड़तोड़ सिनेमाघरों में हमले करते भी दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी संजय लीला भंसाली ने मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत पर आधारित कहानी को फिल्म बनाकर प्रस्तुत किया है। इस फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी के अवतार में रणवीर सिंह तो वहीं महाराजा रावल रतन सिंह, शाहिद कपूर और राजकुमारी पद्मावती दीपिका पादुकोण को इस फिल्म में दर्शाया गया है। महाराजा रावल रतन सिंह के राजगुरु रानी पद्मावती को देखते उन पर मोहित हो जाते हैं। जैसे ही इस बात की जानकारी महाराजा रावल रतन सिंह को होती है तो पद्मावती के सुझाव पर अपने राजगुरु को देश से बाहर निकाल देते हैं। अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए चित्तौड़ के राजगुरु यह शपथ लेते हैं कि वह महाराजा रतन सिंह के राज को मिट्टी में मिला देंगे और वह दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचते हैं और पद्मावती की सुंदरता की कहानी सुनाकर उनको मोहित करते हैं और फिर शुरू होता है पद्मावती का जौहर का खिस्सा। फिल्म की कहानी महारानी पद्मावती, महाराजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के आसपास से फिल्म घूमती हुई नजर आती है। फिल्म में दीपिका पादुकोण का किरदार बहुत ही अच्छा ढंग से फिल्माया गया है और दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। साथ ही साथ रणवीर सिंह का तो खिलजी अवतार दर्शकों को दिल मोह लेगा। साथ ही साथ राजा रतन सिंह के अवतार में शाहिद कपूर की अभिनय काफी ज्यादा अच्छी दिखाई गई है। अगर हम फिल्म का रेटिंग की बात करें तो फिल्म को करीब 4 स्टार दिया गया है जो इस फिल्म के लिए वाकई काबिलियत तारीफ मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि फिल्म रिलीज होने के बाद क्या बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर पाती है या नहीं।